हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने ऑपरेशन स्माइल की कामयाबी पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि जनवरी के महीने में हमने ऑपरेशन स्माइल चलाया था, जिसके तहत भारी संख्या में बिछड़े हुए लोगों को उनके माँ बाप से मिलवाया गया है और बहुत बड़ी कामयाबी भी इस ऑपरेशन के तहत मिली है। वहीं उन्होंने जंतर मंतर पर बैठे खिलाड़ियों के बारे में भी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मैं पूरी तरीके से खिलाड़ियों के साथ हूं, अगर कहीं ऊपर सरकार से बात भी करनी हुई तो मैं जरूर करूंगा। वहीं कांग्रेस की तरफ से अपने मैनिफेस्टो से बजरंग दल पर बैन करने का, हटाए जाने और हनुमान मंदिर बनाए जाने की बात पर भी तीखी प्रतिक्रिया दी है। हरियाणा में हरियाणा पुलिस की तरफ से जनवरी में ऑपरेशन स्माइल की शुरुआत की गई, जिसको बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। हरियाणा पुलिस ने ऑपरेशन स्माइल के तहत 722 बाल श्रमिक और 405 भिक्षुओं का रेस्क्यू किया। पुलिस ने 1 अप्रैल से 30 अप्रैल की अवधि के दौरान गुम हुए 880 बालक और 819 वयस्कों को किया। पुलिस ने इस अवधि के दौरान 479 शेल्टर और बाल गृहों का निरीक्षण किया। ऑपरेशन स्माइल की कामयाबी पर गृह मंत्री ने कहा कि हमने तय किया है कि हर महीने एक प्रोजेक्ट मैनेज करेंगे और जनवरी के महीने में हमने ऑपरेशन स्माइल किया था, जिसमें भारी संख्या में बिछड़े हुए लोगों को उनके माँ बाप से मिलाया था, जिसमें बहुत बड़ी कामयाबी मिली थी। अब हमने तय किया है हर महीने में एक प्रोजेक्ट हम लेते हैं, तो जनवरी के महीने में हमने ऑपरेशन स्माइल किया था और उसमें हमने बहुत बड़ी संख्या में बिछड़े हुए लोगों को उनके माँ बाप के साथ मिलाया है और ये बहुत कामयाब। पिछले काफी दिनों से दिल्ली के जंतर मंतर पर खिलाड़ियों का प्रदर्शन जारी है, जिस पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बयान दिया है कि जब खिलाड़ी मेडल लेकर आते हैं तो उनका सम्मान भी किया जाता है और उनके साथ फोटो भी खिंचवाई जाती है। उनके बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि वो सारा विषय उच्च स्तर पर टेकअप किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि क्योंकि मैं खुद स्पोर्ट्स विभाग का मंत्री रहा हूं, मैं पूरी तरीके से खिलाड़ियों के साथ हूं। उन्होंने कहा कि अगर मुझे कहीं ऊपर सरकार में बात कहनी होगी, करनी होगी तो मैं करूंगा, ताकि सम्मान पूर्वक इनका समाधान हो सके। देखिए, वो सारा विषय जो है उच्च स्तर पर उसको टेकअप किया था और क्योंकि मैं खुद स्पोर्ट्स विभाग का मंत्री रहा हूं, मैं पूरी तरह से खिलाड़ियों के साथ, अगर मुझको कहीं ऊपर सरकार में बात करनी होगी, कहनी होगी तो मैं करूँ, ताकि इनका सम्मान पूर्वक इनका जो है वो समाधान हो। कर्नाटक के चुनाव में कांग्रेस पार्टी की तरफ से अपने मैनिफेस्टो में बजरंग दल पर बैन लगाने की बात कही गई थी, जिसके चलते कांग्रेस को जनता का आक्रोश झेलना पड़ा और उन्होंने अपने मैनिफेस्टो से उसको हटा दिया और हनुमान मंदिर बनाने की बात कही जाने लगी, जिस पर गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री ने चुटकी लेते हुए कहा कि कांग्रेस एक तरफ तो भक्तों पर प्रतिबंध लगाती है, जब जनता का आक्रोश सामने आता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का तो काम ही है कलाबाजियां खाना। उन्होंने कहा कि आपने पहले राम मंदिर के निर्माण में अड़चने अड़ाई और आपने देखा कि आपका क्या हाल हो गया, धरातल पर खड़े होने लायक नहीं रहे, और अब आपने हनुमान जी से पंगा ले लिया। हनुमान जी अब निश्चित तौर पर कांग्रेस की लंका को आग लगाएंगे। कांग्रेस एक तरफ तो भक्तों पर प्रतिबंध लगाती है और फिर जब जनता का आक्रोश सामने आता है तो फिर कलाबाजियां खाती है। कांग्रेस का तो काम ही यही है कि कलाबाजियां खाना। आप लोगों ने पहले राम मंदिर जी के निर्माण में अड़चने अड़ाई और आपने देखा कि आपका क्या हाल हो गया, आप धरातल पर खड़े होने लायक नहीं रहे, और अब आपने हनुमान जी से पंगा ले लिया और हनुमान जी निश्चित तौर पर कांग्रेस की लंका को आग लगा दे। आपको बता दें कि हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने ऑपरेशन स्माइल की कामयाबी पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि जनवरी के महीने में हमने ऑपरेशन स्माइल चलाया था, जिसके तहत भारी संख्या में बिछड़े हुए लोगों को उनके माँ बाप से मिलवाया गया था, बहुत बड़ी कामयाबी है। टोटल टीवी के लिए अम्बाला से कृष्ण बाली की रिपोर्ट।